कभी राजस्थान के करौली में हिंसा, कभी मध्य प्रदेश में हिंसा, तो कभी दिल्ली में हिंसा। देश में अचानक ये क्या हो रहा है? सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं एकाएक क्यों हो रही हैं? सवाल कई तरीके के हैं। जहां देश में इस तरीके से शांति फैली हुई थी, वहां इस तरीके की हिंसक घटनाएं, मारपीट, हिंसात्मक कार्रवाई क्यों हो रही है? शनिवार को देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसक घटनाएं हुई। देश की राजधानी नई दिल्ली में जहांगीरपुर इलाके में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान भीड़ की हिंसा के सिलसिले में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नाबालिग भी हैं। कुछ यही हाल कर्नाटक के हुबली शहर का भी था, जहां एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सांप्रदायिक हिंसा के बाद धारा 144 लगा दी गई। यहां 12 पुलिसकर्मी घायल हुए। आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड से भी हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आईं। देश के कई हिस्सों में इस तरीके के वारदात सामने आ रहे हैं। सवाल ये है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि देश में हर रोज इस तरीके की हिंसा की खबरें आनी शुरू हो गईं? लोग असहज महसूस कर रहे हैं। दरअसल 2 अप्रैल से 10 अप्रैल को रामनवमी सहित हिंदू धार्मिक जुलूसों के दौरान सांप्रदायिक झड़पों की कई घटनाएं सामने आईं। हिंदू और मुस्लिम संगठनों ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। 13 विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं ने देश में अभद्र भाषा और सांप्रदायिक हिंसा की हालिया घटनाओं पर गहरी चिंता जाहिर की और लोगों से शांति सद्भाव बनाए रखने की अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राकंपा प्रमुख शरद पवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित नेताओं ने कहा कि खाना, पोशाक, आस्था, त्योहारों और भाषा से संबंधित मुद्दों का इस्तेमाल सत्ताधारी पार्टी जानबूझकर ध्रुवीकरण के लिए कर रही है। हालांकि भाजपा ने पलटवार किया, आरोप लगाया कि पिछले 70 सालों में देश भर में हुए सांप्रदायिक दंगों के लिए तुष्टीकरण की विचारधारा को अपनाया गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में रविवार को रामनवमी पर सांप्रदायिक झड़पें हुई, जब पथराव किया गया, वाहनों को आग लगा दी गई और कुछ घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके कारण पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। हालांकि करीब से देखा और समझा जाए तो एक ही पैटर्न पर दंगे की आग भड़क रही है। आखिर यहां ऐसा क्या हो गया कि भीतर ही भीतर संप्रदाय विशेष के लोगों के दिमाग में जहर घुल गया है और कट्टरपंथी ताकतें ब्रेन वॉश कर रही हैं। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि जो घटनाएं हुई हैं वो रैलियों के मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरने के दौरान हुई हैं और इन दंगों के पीछे सीधे सीधे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाओं से वोटों का ध्रुवीकरण जरूर हो सकता है। अगर बात खरगोन के हिंसा की करें तो इसे लेकर भी जांच चल रही है, लेकिन इसके सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी चर्चा हो रही है। ये सब एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब प्रदेश में चुनाव नजदीक है। रामनवमी के दिन हिंसा की खबरें गुजरात, गोवा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से भी आईं, लेकिन खरगोन की चर्चा सबसे ज्यादा रही। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।